हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द फैब्रिक ऑब्टेन एट दिस स्टेज इज ग्रे इन कलर। इस प्रक्रिया मतलब इस स्टेज से प्राप्त हुआ हमें क्या फैब्रिक वो कौन से कलर में होता है? ग्रे कलर में होता है। इट इज देन ब्लीच्ड टू इम्प्रूव इट्स वाइटनेस। इसको क्या किया जाता है? ब्लीच्ड करके इसको ब्लीच्ड करके इसको इम्प्रूव किया जाता है, मतलब इसको इसकी वाइटनेस को इम्प्रूव किया जाता है ना। डिफरेंट डिज़ाइन एंड कलर ऑफ कॉटन फैब्रिक आर प्रोड्यूस्ड इन अनदर फिनिशिंग प्लांट्स बाय डाइंग एंड प्रिंटिंग। क्या है? डिफरेंट डिज़ाइन और जो डिफरेंट टाइप के वो डिज़ाइन और कलर कॉटन के जो कलर होते हैं कॉटन फैब्रिक होते हैं उनको एक फिनिशिंग प्लांट से प्रोड्यूस्ड किया जाता है, और जैसे वाई डाइंग एंड प्रिंटिंग की थ्रू। एक्टिविटी टू ऑब्टेन डिफरेंट वीविंग पैटर्न्स। टेक टू पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर। हम क्या करेंगे? टू पेपर्स लेंगे किसके? डिफरेंट कलर में, ग्रे एंड रेड, सॉरी ग्रीन एंड रेड। कट द स्ट्रिप्स ऑफ 1 सेंटीमीटर विड एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ फ्रॉम ईच पेपर। हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे कितने में? 1 सेंटीमीटर विड लेंगे और 20 सेंटीमीटर लेंथ में। इसको दोनों को क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे। अरेंज ग्रीन स्ट्रिप्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। और क्या करेंगे हम? जो ग्रीन स्ट्रिप रहेगी हम उसको पैरेलल अरेंज करेंगे, और जो एक दूसरे को क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। Now take a red strip and hold it perpendicular to the green strips and pass it above one green strip, then below the next green strip, then above the next and so on. हम अब क्या करेंगे? जो रेड स्ट्रिप है उसको हम होल्ड रेड स्ट्रिप लेंगे और उसको हम होल्ड करेंगे परपेंडिकुलर किसके? टू ग्रीन स्ट्रिप की। एंड पास इट एवव, और हम उसके ऊपर क्या करेंगे? वन स्ट्रिप को पास करेंगे। देन बिलो, और उसके नीचे नेक्स्ट ग्रीन स्ट्रिप करेंगे रखेंगे, है ना। देन एवव द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और ये क्या कर देंगे हम? इसको एंड सो ऑन करते ही जाएंगे। रिपीट दिस स्टेप विथ मोर एंड मोर रेड स्ट्रिप। हम इस स्टेप जो स्टेप रहेगा वो हम उसको सॉरी रिपीट दिस स्टेप विथ मोर रेड स्ट्रिप्स। हम रेड स्ट्रिप्स के साथ क्या करेंगे? इसको इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। अगेन अरेंज द ग्रीन स्ट्रिप पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। और हम क्या लेंगे? जो ग्रीन स्ट्रिप रहेगी हम उसके पैरेलल करके क्लोज करते जाएंगे एक दूसरे को। देन टेक अ रेड स्ट्रिप एंड रिपीट द अबव स्टेप इस स्टेप बट इन रिजर्व वे। क्या है? हम इसको इसके ऊपर एक क्या लेंगे? देन टेक रेड स्ट्रिप। हम रेड स्ट्रिप लेंगे एंड रिपीट द अबव स्टेप। हम इसके ऊपर स्टेप को रिपीट करते जाएंगे बट इन रिजर्व वे। किस वे में? रिजर्व वे में। यू विल नोटिस द टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वीविंग। आपने देखा होगा कि टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वीविंग, हमें दो टाइप के वीविंग करने के पैटर्न्स हमें मिलते हैं, है ना। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फाइबर। फर्स्ट इज द कॉटन फाइबर आर जनरली 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 16-20 microns। क्या होता है? जो कॉटन फाइबर होता है वो जनरली 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर विड्थ में लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और इसकी थिकनेस होती है लगभग 16 से 20 microns तक इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। सेकेंड इज कॉटन फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वियर। जो कॉटन फैब्रिक होता है वो कैसा होता है? आरामदायक, कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। कॉटन फाइबर हैव अ नेचुरल कैरेक्टर टू एब्जर्व ह्यूमिडिटी। और जो कॉटन फाइबर होता है वो उसमें नेचुरल कैरेक्टर होता है क्या है? ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करने की, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब नमी। थस दे ऑब्जर्व बॉडी स्वेट क्विकली। और ये क्या है? पसीने को भी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ वाटर टू पेंट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर मेक्स इट ईजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द
कॉटन गारमेंट। इसमें एक एबिलिटी होती है जो वाटर को कहाँ तक, इसके नीचे तक पहुंचाकर क्या कर देता है, इजीली डर्ट को रिमूव कर देता है कॉटन गारमेंट से। क्या है थर्ड, द कॉटन और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड अदर फाइबर्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स। क्या होता है, ये जो कपड़े बनाने के जो फैक्ट्रीज रहती हैं उनमें मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। फोर्थ, इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन इन द रेयन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन द पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज़ किस में होता है, रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, है ना, मैंने रेयन का मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल का यूज़ होता है इन द रेयन इंडस्ट्री, कहाँ, रेयन इंडस्ट्री में, एज वेल एज इन पेपर इंडस्ट्रीज, और इसका पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। फिफ्थ नंबर, कॉटन क्लॉथ्स आर यूज एज मॉप्स इन हाउस होल्ड बिकॉम कॉटन एज अ हाइट वाटर एब्जर्विंग प्रॉपर्टी। क्या होता है, जो घर पे जो पोंछा बनाने के लिए हाउस होल्ड में भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज कॉटन है जो हाई वाटर ऑब्जर्व होता है, इसमें हाई वाटर को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। सिक्स, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एन एक्सप्लोसिव कॉल्ड गन कॉटन, और इसका यूज किस में भी होता है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक सामग्री बनाने में भी होता है, कॉल्ड गन कॉटन, जिसे क्या बोला जाता है, गन कॉटन। अब हम देखेंगे एक्टिविटी, इसको आपको करना है, अगर नहीं बनेगा तो मैं करवाऊँगी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको सर्च करके करना है। एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, हम कॉटन फैब्रिक का एक स्मॉल पीस लेंगे, कैन यू सी लूज थ्रेड्स और यार्न एट द एजेस, और हम क्या देखेंगे, जो लूज थ्रेड्स रहेंगी इसकी वो क्या रहेंगी, मतलब उसकी जो मतलब जो किनारे रहती है ना, वहाँ से हम इसको लूज करेंगे। पुल ऑफ फ्यू थ्रेड्स आउट, जो कुछ जो थ्रेड रहेंगी वो क्या है, निकलती जाएंगी। यू विल नोटिस दैट द क्लॉथ इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सच थ्रेड्स वूवन टुगेदर। हम देख सकते हैं कि जो क्लॉथ है वो किससे बना होता है, नंबर ऑफ सच थ्रेड्स वूवन टुगेदर, जो कई सारी जो थ्रेड्स रहती हैं उनसे बुनकर बनाया जाता है। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ थंब एंड स्क्रैच द अदर एंड विथ योर नेल्स, और क्या करते हैं, हम नेल्स से इसको स्क्रैच करते जाते हैं। डज द यार्न स्प्लिट अप इंटू थिन स्ट्रैंड्स, क्या हम इस यार्न को स्प्लिट कर सकते हैं, थिन स्ट्रैंड। व्हेन यू लुक एट द स्ट्रैंड्स थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल बी एबल टू सी दैट दीज थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। जब हम क्या करते हैं, स्ट्रैंड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास इनको देखते हैं तो यू विल बी एबल टू सी दैट दीज थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जो क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, दीज थिन जो स्ट्रैंड्स आर मेड होती हैं वो बहुत पतली थिनर मतलब स्ट्रैंड से पतली बनी होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, फाइबर्स।